Good morning, everyone. So here is the view from our campsite. और ये जो व्यू है ये है बोरत लेक का. हमें बोरत लेक ये हुंजा में पाया जाता है. इसके ऊपर मैंने इंस्टाग्राम में डिटेल्स लगा दी थी. बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग थी. अभी सुबह के आई थिंक 7 बज रहे हैं और अभी सूरज पूरी तरह से निकला भी नहीं है. सो तैयार होते हैं अब और चलते हैं अपने सफ़र पर जो कि हमने ट्रैकिंग करनी है. सो लेट्स गो. सो गाइस यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए हैं. अब हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया है. सो अब हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स आर ट्रैकिंग साइट. हमने ट्रैक करके ऊपर जाना है. हमारी टीम वो नीचे मरियम आयशा और ये दो बॉयज़ थे और देन ये हमारा जो था वो टूर गाइड था अदनान और बाकी हमारी जो टीम थी वो आगे निकल चुकी थी. हेयर आई एम फिल्मिंग. सो गाइस ये बहुत ही खूबसूरत व्यू हम देखने जा रहे हैं जहाँ से हमें पूरा बोरत लेक ऊपर से नज़र आएगा. सो वहाँ ऊपर तक हम लोगों ने जाना है. सो ट्रैक कर कर के हम ऊपर पहुँच चुके हैं और अब हम जो हैं ये देखें एक खूबसूरत सी जगह पे हम लोगों ने आके स्टे किया और यहाँ से हमें ऑलमोस्ट ये वाला पार्ट हुंजा का प्रॉपर नज़र आ रहा है. यू कैन सी ये जितना भी लेक है ये सारा बोरत लेक है और ये आई थिंक बोरत लेक की फ्रंट साइड है अपवर्ड्स और नीचे सारे कैंप्स और हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे ऊपर थे और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स क्लिक की थी. एज़ यू कैन सी ये हम तीनों हैं और पिक्चर्स लेने के बाद हम लोग चले गए थे आगे टूवर्ड्स. हम लोगों ने आगे ट्रैवल करना था और हम लोगों ने पासुकोन्स जाना था वो डिस्कवर करना था. उसके बाद हुसैनी ब्रिज जाना था और हमें शाम हो गई थी क्योंकि आई थिंक 2 से 3 घंटे का हम लोगों ने ट्रैक करके हम लोग ऊपर गए थे फिर हम वापस नीचे उतरे हैं. सो इट्स टुक अ लॉट ऑफ टाइम और अब यहाँ पे हम पासुकोन्स देखने जा रहे हैं. वेलकम टू पासु लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पर हम लोगों ने फिर ये थोड़ा सा इन्जॉय किया था. बस हम यहाँ पर ही रुके थे और आगे नहीं हम लोग गए थे और इसके बाद हम लोग गए थे एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट और वहाँ पर हम लोगों ने एप्रिकॉट केक ट्राई किया था. ये हम अदनान बता रहे हैं सारे ग्लेशियर्स के बारे में. यहाँ पर हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स क्लिक की थी. सेम डे मैंने सिर्फ शर्ट और हिजाब चेंज किया था और बाकी बस हम लोगों ने यहाँ पे कुछ वीडियोस बनाई हैं जैसे कि एम सी स्लोमोज वगैरह एंड पिक्चर्स क्लिक की थी और शाम हो रही थी और हम लोगों ने हुसैनी ब्रिज भी आज ही कवर अप करना था क्योंकि आज हमारा लास्ट डे था हुंजा में और रात को हम लोगों ने निकल जाना था टूवर्ड्स बाटा कुंडी और वहाँ पे हमारा वन नाइट स्टे था नरान में एंड देन हम लोगों ने फिर लाहौर आना था. तो हेयर दी पासु कोन्स एज यू कैन सी एंड लेडी फिंगर और ये जो है हम लोग जा रहे हैं ग्लेशियर ब्रीज रेस्टोरेंट और कैफे में एप्रिकॉट केक ट्राई करने. वो ऊपर जो छोटी सी बिल्डिंग है हम लोगों ने वहाँ जाना है और लुक एट दी स्टेयर्स हम लोगों ने इतना ऊपर चढ़ना था और इट्स वेरी हार्ड क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 3-4 दिन से ट्रैकिंग कर रहे थे और बॉडी में पूरी खलियाँ पड़ चुकी थी. हम ऊपर आ चुके हैं और ये ऊपर से व्यू है जी बहुत ही खूबसूरत और बहुत तेज़ ठंडी हवा चल रही थी और बहुत ही मज़े का मतलब ठंडा तरीन मौसम था. एंड मरियम आयशा अभी तक ऊपर नहीं पहुँची हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं बिकॉज इट्स वेरी टफ़ और यहाँ पे फिर हम लोगों ने थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक की थी. ये जी मैं हूँ और ये आ गई मरियम आयशा मेरी बेस्ट फ्रेंड्स एंड हेयर इज़ दी एप्रिकॉट केक जो कि आई डोंट फील इट यामी. बस 50-50 था. बस हमने चाय पी और ये केक खाया और देन हम लोग निकल पड़े हैं टूवर्ड्स हुसैनी ब्रिज और आप देख सकते हैं कि अभी दोपहर हुई है. आई थिंक 3-4 का टाइम है एंड द वेदर वॉज सो डल कि लाइक बिल्कुल भी धूप नहीं थी और हम लोगों का यही प्रोग्राम था कि हम लोग जो हैं जल्दी से जल्दी हम लोग धूप ना जाए रोशनी रहे क्योंकि हुसैनी ब्रिज पर हम लोगों ने अब पिक्चर क्लिक करनी थी
और जाना भी था, और ये हम पहुंच चुके हैं सैनी ब्रिज पे। अब यहाँ पे भी हम लोगों ने ट्रैक करके नीचे जाना है टूवर्ड्स दी सैनी ब्रिज जहाँ पर वो है। और ये एरिया भी जो है वो बहुत ही टफ ट्रैकिंग का था, यू कैन सी। और आज जो है जी बस ये हम लोग जा रहे हैं और मैं पावर बैंक के साथ खेलती हुई जा रही थी। As you can see, ये हम पहुँच चुके हैं towards the, पता नहीं ये कौन सी दरिया था, लेकिन it's very fast and running water, बहुत ही ज़्यादा लहरों वाला था। और इसके ऊपर जी हुसैनी ब्रिज है, और जो locals हैं वो इससे ही travel करते हैं जो उस side पर रहते हैं। You can see lots of awam here। और ये पानी देखें, अब ये बहुत 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 गहरा है। इनका कहना था कि यहाँ पर अगर कोई गिर जाए तो वो बच नहीं सकता, क्योंकि पानी इतना तेज़ है। फुटेज में नहीं लग रहा, लेकिन पानी इतना तेज़ है कि वो फ्यू सेकंड्स में बहा कर ले जाएगा बंदे को। और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि कौन कौन जाएगा, तो मैं और मरियम गए थे। आयशा जो है वो बस पिक्चर्स क्लिक करके फ्यू स्टेप्स के बाद वापस आ गई थी। और लिटरली वहाँ पर लोग रहते हैं इन पहाड़ों में, और वहाँ से लोकल्स आ रहे थे, और हम लोग देख रहे थे कि लोकल जो हैं वहाँ से जो है वो खाने पीने का सामान लेकर आ रहे हैं। एंड हेयर आई एम ऑन द ब्रिज। और मैंने अदनान से क्या था, जो हमारा टूर गाइड था, उससे हमने कहा था कि यार हमें ज़रा मेरी ज़रा फुटेज क्लियर कर दो, और उसने ये सारा रिकॉर्ड किया। हमने बिल्कुल वो एंड पर जाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत हम लोग गुजर आए थे। और चले भी गई थी मैं, ये मैं वॉक कर रही हूँ उस पर विद कैमरा, और यहाँ पर मैंने उसको स्विच कर दिया। और ये अब मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ ये आराम आराम से वॉक करते हुए। वो अदनान थे जिनके पास मैंने कैमरा उनको दिया था कि मेरी फुटेज ले लें। एंड आई एम लुकिंग सो बैड, मुझे बिल्कुल भी तैयार होने का टाइम नहीं मिला था, और सामान बार बार खोलने भी नहीं दे रहे थे वो लोग। सो बस इसी वजह से जो है वो बिल्कुल भी मैं तैयार नहीं हो पाई थी सही से। आई एम लुकिंग सो बैड बट आई एंजॉय अ लॉट। देन हम लोगों ने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स क्लिक की थी, ये मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं। उसके बाद हम लोग बस ब्रिज क्रॉस करके वापस गए थे, तो शाम हो गई थी और हम लोग बस अपनी कैंपिंग साइट पर पहुँच गए थे। और हम लोगों ने वहाँ पर जाके मतलब बोरत लेक के ऊपर फ्रंट साइड पर हम लोगों ने कैंपिंग की थी, हमारी जो सेकंड कैंपिंग नाइट थी। और ये हमारा बॉनफायर था जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत 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 ज़बरदस्त था, और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। फिर इन लोगों ने हम लोगों को ट्रेडिशनल डांस करके भी दिखाया था, वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे जी हम लोगों ने नेक्स्ट मॉर्निंग बोटिंग की थी, क्योंकि हम वापसी के लिए निकल चले गए थे। और ये लुलुसार लेक है, इसके ऊपर हम लोगों ने जी बोटिंग की है। और ये मैं हूँ, और मेरा बहुत बुरा असर हो गया था, बोटिंग की है। और बोटिंग करने के बाद हम लोग चले गए थे वापसी पे, वापस इस्लामाबाद की तरफ। और वो फुटेज मैंने नहीं रिकॉर्ड की, क्योंकि मोबाइल की बैटरी है, मैं सब कुछ तो रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी। सो बस हम लोग वापसी के लिए अब निकलने लगे हैं, और हमारा यहाँ तक ही था हंजा का सफ़र। और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, लेकिन हमने अपने कुछ फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा मिस भी किया।
और टूर भी हमारा कुछ इतना ख़ास मतलब जो था मतलब जिसके साथ हम गए थे वो भी कुछ इतने ख़ास नहीं थे, बस ठीक थे, लेकिन वी एंजॉयड अलॉट। और इसी के साथ मैं ये व्लॉग एंड करने लगी हूँ। होप कि आप लोगों को हमजा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग में आप लोगों को मिलूँगी विद इन फ्यू मंथ्स। और नेक्स्ट मैं कहाँ जाऊँ प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताई दीजिएगा। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं जी टूल प्लाज़ा इस्लामाबाद का जो है वहाँ पर, और बहुत थक चुके थे, बस हम जाके जो है अब रेस्ट करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी या।